बढ़ती गर्मी के बीच बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब की तस्वीरें सुकून देने वाली हैं। गर्मी की तपिश बढ़ी तो इंद्रदेव खुद बद्री विशाल के जल अभिषेक करने धाम पहुंच गए। मैदानी इलाकों को छोड़ इंद्रदेव कल भगवान विष्णु के धाम बद्रीनाथ और हेमकुंड में जमकर बरसे, जिससे धाम में मौजूद भक्तों के चेहरे खिल उठे। मंगलवार शाम चमोली में हुई बारिश ने मौसम सुहाना कर दिया है। बारिश होने के बाद बद्रीनाथ क्षेत्र में हल्की ठंड ने भी दस्तक दे दी है। लंबे समय से बद्रीनाथ समेत पूरा जिला चमोली सूखे की मार झेल रहा था, वहीं मंगलवार मौसम ने करवट ली। दोपहर 2 बजे मौसम बदला और बादल छाने लगे। शाम 4 बजे तेज हवा के साथ हल्की बारिश शुरू हो गई। 5 बजे तक बारिश तेज होने लगी। देर शाम तक गोपेश्वर में रिमझिम बारिश होती रही। वहीं पोखरी जोशीमठ के साथ ही बद्रीनाथ धाम में भी हल्की बारिश शुरू हो गई है। बारिश होने से मौसम काफी ठंडा हो गया है। वहीं कर्णप्रयाग में तेज हवाएं चली और शाम को करीब 1 घंटे तक तेज बारिश होती रही। गोपेश्वर जोशीमठ सहित आसपास के इलाकों में जमकर बारिश हुई। चमोली से पंजाब केसरी टीवी के लिए पूरन बिलंगवाल की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।